ये सर्विस अगर आप कराएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा तो आप उसमें भी स्विच हो सकते हैं, बट क्या रीजन है कि आप इसको ही लेना चाहे। हे कैसे हैं मेरे बिहार के निवासियों, वेलकम बैक मेरे चैनल। आज का वीडियो काफी मजा आने वाला है। जो लोग R15 वर्जन 3 लेना चाहते हैं, उनके मन में डाउट है कि बाइक का क्या मेंटेनेंस है, सर्विस चार्ज क्या है, कितना खर्चा पड़ेगा, माइलेज क्या है, बाइक कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो सारा आपको इस बाइक का जो ऑनर कमाल भाई बताएंगे। फर्स्ट ऑनर में रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि RS 200 सेगमेंट में आता ना शायद 200 cc 155 cc है, तो आप उसमें भी स्विच हो सकते हैं, बट क्या रीजन है कि आप इसको ही लेना चाहे, क्या मुझे यही लेना है इसका बाइक लेने का, कि बहुत सारे लोगों से मैंने पहले पूछा बिल्कुल कौन सी बाइक ली जाए जो सबसे बेस्ट होगी। बिल्कुल, तो ऐसे सिवान में मेरे कई सारे दोस्त लोग हैं जिनके पास, मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ, 9 लड़के हैं जिनके पास R15 ही है। ओ भाई, समझ रहे हो ना। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं कौन सी लूँ, तो उसने बिना सोचे समझे बोला कि आप R15 पे जा सकते हो, माइंड फ्री रखिए, जागराना पे उठा कर लेकर आ जाइए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कहिएगा। तो मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंस बता रहा है में, तो इसी की वजह से। और दूसरी बात, इसका लुकिंग में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो क्या मतलब हमारे कमाल भाई भी भाई मस्कुलर आदमी है, स्मार्ट, और बाइक भी भाई मस्कुलर है भाई, तो डेफिनेटली बाइक देखे कोई बंदा भी दीवाना हो जाएगा बाइक की, बाइक का जो लुकिंग है। आप बात कर ले, जैसे मैं ही ये बाइक को लेने के बारे में सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में लेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को टेंशन होता है कि भाई बाइक का मेंटेनेंस, तो आप बता दें कि बाइक में कौन मतलब अगर सर्विसिंग चार्ज है तो कितना में मतलब सर्विसिंग आपके हो सकता है। ये सर्विस अगर आप कराएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 1800 से 1900 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है कि नहीं, 2000 के अंदर में आपका पूरा। अब भाई बाइक को आप पागलों की तरह चलाओगे, एक साल में सर्विसिंग कराओगे तो अलग बात है, आपको 4000 तब तो बिल बैठ ही जाएगा लंबा। क्या जो रूल है ना, उस रूल के हिसाब से अगर आप करेंगे, जिस वक्त पर आपको बुलाएगा, जैसे सर्विस का जो आपका फ्री चार्ज है जो भी है, उस टाइम पर अगर आप जाएंगे तो 1700 से 1800 मैक्सिमम बहुत हो जाएगी नहीं। और दूसरी बात कर लेते कि बाइक में कौन ऐसा चीज थोड़ा आपको मतलब लगा होगा भाई थोड़ा दिक्कत मेरे को महसूस हो रहा है, डिसअपॉइंट जिसको बोलते हैं, डिसअपॉइंट क्या होगा? दिक्कत जो है ना, चैन स्पोकिंग का जो प्रॉब्लम है वो जाहिर सी बात है, अगर आप पानी वगैरह में जब यूज करेंगे ना प्रॉब्लम आ ही जाएगी, चैन स्पोकिंग, बस एक चैन स्पोकिंग में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो मेरे को लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ भी ये बाइक में मैं परेशान रहता हूँ, इतना चैन इसका आवाज करता है, और ये सब बाइक लोगे ना भाई तब उतना मेंटेनेंस तो करोगे ही, चैन स्प्रे यूज करोगे तो उतना मामला नहीं होने वाला है कि नहीं, उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतना जल्दी भी खराब भी है ना, इतना नहीं होता है। आप ज्यादा दौड़े, दिन भर में जाहिर सी बात है गांव घर में आप रहे, पानी लगे तो 6-7 बार आप दौड़ेंगे, और ऐसे नहीं कि नॉर्मल पानी से नहीं, कहीं पर पानी ज्यादा जमा हुआ पानी है, नहीं जमघट है, दिक्कत होता है, 1.5-2 महीने के अंदर में थोड़ा मुश्किल तब तो वह बढ़िया। तीसरी बात करते हैं, तीसरा बात यह है कि इसका सीटिंग, जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी अग्रेसिव है, स्पोर्टी है, तो क्या हम जैसे जो हाइट वाले लोग हैं, क्योंकि कमाल भाई तो हमारे माशाल्लाह लॉन्ग है, तो हम लोग के जो हाइट के लोग हैं, पहले आपकी बात कर लेते हैं, तो क्या आपके बैक में या हैंड में पेन होता है एज ए शुरू में? जब शुरू में जब मैंने फर्स्ट मरता जब मैंने लिया ना, तो कुछ दूर जैसे कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम 40-45 किलोमीटर मैंने चलाया तो पेन हुआ, लेकिन शुरू में दौड़ा एज ए बिगिनर। उसके बाद से कुछ महीने के बाद, यानी 1-2 महीने बाद मैं सिवान गया, सिवान से भाई 215-220 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, गया और आया, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, होता है ना कि थोड़ा सा भी पेन होता है, क्योंकि आदत हो जाती है। अब देखो भाई, लोग यूं ही हवा बना के रखा है कि इतना सिटिंग पोजीशन एग्रेसिव है तो बैक पेन होगा, कमर टूट जाएगा, हाथ में दर्द होगा, जब यूज्ड टू होंगे भाई तो आपको मतलब आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं, कि ज्यादा सोचने वाली इसके लिए बात नहीं है, लेना चाहे तो ले सकते, इसके लिए ज्यादा मतलब ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और तीसरी बात कर लेते हैं कि इसका ब्रेकिंग, इसको ब्रेकिंग जो कंट्रोलिंग है उसके बारे में आपका क्या राय है? इतना जबरदस्त है कि आप जहाँ चाहेंगे जिस जगह पर चाहेंगे वहीं पर रुक जाएगी। चलो हाँ। और ये भी नहीं है कि जैसे कि मैंने देखा है कि मेरे पास इससे पहले अपाची था, तो मैं जैसे ही उसको जब मैं रोकता था ना, चक्का से एक तरफ भाग जाता था ये दूसरा, लेकिन इसका नहीं, इसका ग्रिपिंग इतना जबरदस्त है कि कई मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ब्रेकर सामने आ गया ना, अच्छा अच्छा, मैं देख नहीं पाया, फिर अचानक देखा सडन एक तरफ आ गया, लेकिन फिर भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं रुक जाती थी। तो ब्रेकिंग टॉप नॉच है, जबरदस्त ब्रेकिंग, आप यूट्यूब पे देखे होंगे, मैं भी अभी चलाया हूं, तो भाई ब्रेकिंग मेरे को 100 में बोलो तो 100 में इसको दूंगा, ब्रेकिंग काफी अच्छा है। और कंट्रोलिंग की बात कर लो भाई तो क्या ही बोलना भाई, यामाहा अपने और ग्रिपिंग को लेकर तो यामाहा भाई फेमस है, क्योंकि रेसिंग ट्रैक बाइक है यामाहा, तो इस सब चीज में यामाहा ब्रेकिंग को लेकर हो या ग्रिपिंग को, कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं, कभी कम्प्रोमाइज नहीं, तभी लोग इसके दीवाने हैं। बिल्कुल। अब माइलेज पे आते तो माइलेज इसका बाइक का आपको कितना पड़ जाता है सिटी में या फिर एनएच पे? हाँ, कहीं भी हो माइलेज इनका 35 से 40 के बीच में देना ही देना है, कंफर्म है, कंफर्म है, कोई इशू नहीं है। कितने सारे लोग बोलते हैं ना कि 20-25 नहीं दे सकता, मेरे को भी डाउट था ये चीज, मेरे को भी डाउट था, लेकिन नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं लिया हूँ और मैं जब चलाता हूँ मुझे अच्छे से पता है 37-38 आराम से नॉर्मली दे रहा है भाई, तब तो वेलेंट गुड भाई, आपका तो लॉटरी लग गया भाई,
इतनी अच्छी बाइक, स्पोर्टी बाइक, अगर 35 भी माइलेज दे रहा ना भाई, तब क्या चाहिए आपको? बहुत है भाई, इतना एग्रेसिव लुक है, स्पोर्टी लुक है, अगर 35-40 माइलेज दे रहा है तो मेरे को नहीं लगता कुछ सोचने वाली बात है, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। और यामा भाई एक ब्रांड, एक रेसिंग बाइक, इसका अलग ही लेवल है। तो मैंने सोचा था भाई चलो एक वीडियो आप लोग में बना दूंगी। बाइक तो बहुत दिनों पहले लॉन्च हो गई थी। आपने कितने दिन पहले बाइक परचेस किया था? ठीक, लगभग 6-7 महीना। तो सर्विसिंग आपका तो आई थिंक 2-3 हो गया होगा, कंपनी जो देती है कि नहीं, वो सारा कुछ हो गया उस समय। इसका प्राइस 1.85 समथिंग ना, अभी तो भाई कितना बाउंस हो गया, 2-15 हो गया है। अभी तो वर्जन 4 इसका है हमारे भाई ने, तो भाई इंस्टॉल किया एलईडी लाइट रात में चलने के लिए कि नहीं। अच्छा, लाइटिंग जो इसका कंपनी देती है दोनों, ये तो आपने खुद से लगाया है, तो क्या ये दोनों लाइट सफिशियंट है रात के लिए, फिर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है? नहीं, लाइटिंग जो है ना रात में समझिए कि ज्यादा दूर तक, जितना तक अगर आप चाहते हैं कि सामने में दूर तक जाए, वो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, खास कर थोड़ा ठंड में फॉग में, वो तो कोई बाइक के साथ मसला होता है, जिसकी वजह से अभी जो 4M जो आया है वर्जन 4 लाइटिंग, उसमें हेडलाइट दे दिया, इशू था ना कि सामने दूर तक जाता है। इसका एक रीजन है, इस बाइक ने ये रीजन निकाली है कि जब ज्यादा दूर तक जाएगी तो रात में लोग भगाएंगे बाइक, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट होने का चांस। राइट, ये चीज है। और दूसरी चीज मैंने इस बाइक में ये देखा है कि आप ज्यादातर देखते होंगे डबल स्टैंड पर एक्सीडेंट बहुत होता है, डबल स्टैंड पर ज्यादा। अच्छा, लोग जो चिंगारी मारने के लिए करते हैं हाईवे पे, अच्छा स्टैंड जो करते हैं, इसमें ये चीज खासियत मैंने देखा है कि डबल स्टैंड तो एक है नहीं, इसमें नहीं डबल स्टैंड, नहीं डबल। अरे भाई पहली बार मैं देखा। देखो भाई ओवरऑल बात करना चाहूँ, मेरा जो डाउट था, मैं खुद के लिए मेरा जो डाउट क्लियर हो गया है। बाइक मैं चला के भी देख लिया हूँ भाई का, थोड़ा हम लोग चला के राइडिंग करेंगे, ब्रेकिंग में भी टेस्ट कर लिया, मैं अभी बता भी दूंगा वीडियो में, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग मेरे को लगा। सबसे बड़ा जो डाउट मेरे को था कि बाइक का सिटिंग पोस्चर, मेरे को काफ़ी डाउट था कमाल भाई जी। मेरे को खुद कि साला मैं बाइक को कैसे हैंडल करूंगा, इतना एग्रेसिव पोस्चर, सिटिंग पोस्चर है, सारा कुछ है, बाइक का माइलेज को लेकर मेरे को डर था। सबसे बड़ा चीज़ घर वाले बोल रहे थे कि इतना इतनी बड़ी बाइक लोगे भाई, तो मैनेज कैसे करोगे, मतलब किस तरह उसको सर्विसिंग में, इतना बड़ा बड़ा बोल रहे थे। लेकिन इसका भी मेरे को 1500 पड़ जाता है, बताइए नॉर्मल बाइक है कि नहीं, 1500-1200 रुपया आपको। सुपर बाइक तो है नहीं, 4 सिलेंडर तो है नहीं कि भाई 10,000 खर्चा आएगा क्या, 300 ज्यादा। अरे बिल्कुल, तो कमाल भाई से मिलकर काफी अच्छा मेरे को लगा। और भाई इस खतरनाक मौसम में भाई हमको टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लोग तो भाई चादर उड़ के चाय पीते इस मौसम में, लेकिन कमाल भाई को रिक्वेस्ट मैंने किया, तो कमाल भाई भी सामने से बंदे ने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो आई होप आप लोग काफी इंजॉय आया होगा। तो राइड पे चलते हैं, बात करते करते हम लोग फिर आगे बात करेंगे आपसे। चलिए कमाल भाई, चलो बिस्मिल्लाह मैडम। देखो भाई इसका जो हैंडलिंग का जो आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इस तरह का लाइट वाइट दिया हुआ, इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पे किलर स्विच है, सेल्फ है, तो अभी स्टार्ट हो जाए। अच्छा स्टेयर, देखो भाई स्टेयर में स्टार्ट नहीं हो रहा, कमाल भाई बताएं। तो बाइक का जो भाई पावर की मैं तो ज़्यादा भी उसको रफ है खींच नहीं सकता, वो पता है कितना गंदा भी रास्ता है भाई, सीढ़ी हो जाएगा कमाल भाई की बाइक है। थ्रॉटल की रिस्पॉन्स की बात करूँ तो ओरिजिनल में हमारा बाइक 3 गियर में दिख रहा है, या फिर मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्पीडो मीटर पर सारा मिलेगा, स्पीड यहाँ दिखता है, आरपीएम वर्पीएम सब सारा दिखता है। बट भाई रास्ता कितना गंदा सीने लगता है। चलो 2-3 फोटो आप ले लेते हैं हम लोग, आज के इतना ही मिलते हैं स्टूडियो में। जब तक विश्यू हेल्थ एंड विश्यू हेल्थ।